सो गुरप्रीत जी, ऑस्ट्रेलिया की गल है जिथे तो डॉक्यूमेंटेशन एक अलग तरीके नाल देखना पैंदा, समझना पैंदा सारा कुछ बाकी कंट्रीज़ दे कंपैरिजन दे विच। सो जिथे आप ऑस्ट्रेलिया की गल करते हैं फैब इनटेक ते फोकस करदे होया, कदों तक स्टूडेंट्स नू अपनी तैयारी रख के वधिया ढंग दे नाल स्टैप बाय स्टैप अगे वधना चाहिए और केड़ी गल्लां दा ध्यान जरूर रखण, क्योंकि हमेशा असी पिछले इनटेक्स की गल कर लईए, जी टी डिले नू लैके बहुत सारे सवाल स्टूडेंट्स साडे कोल भी आंदे रहे ने। सो फैब इनटेक सही ढंग नाल स्टूडेंट्स अप्लाई करके प्रोसीजर पूरा करते हुए वीज़ा लै सकण, की कहोगे तुसीं? हरजोत जी, ऑस्ट्रेलिया फैब इनटेक दे लई पहला असी कह रहे सी कि बच्चे 2022 वाले अप्लाई नहीं कर सकते, बट हुण अजिहा कुछ नहीं है। कुछ टाइज असी कढ़े ने, कुछ एवें दीआं चीज़ां है जिहड़ियां कि रिप्रजेंट करके कन्वेंस करन तो बाद कॉलेजिस नूं कि 2022 वाले बच्चों नूं भी एडमिशन दित्ती जावे। तो उन्हां दे लई एक तां 2022 वाले बच्चे फैब इनटेक च अप्लाई कर सकते ने, तो एक 2023 वाले बच्चे फैब इनटेक अप्लाई करेंगे। गल हरजोत जी, आर्ट्स वाले बच्चों नू बड़ी कन्फ्यूजन रहिंदी सीगी कि आर्ट्स वाला बच्चा किवें अप्लाई करे, कित्थे अप्लाई करे। इस टाइम आर्ट्स वाले जिहड़े बच्चे ने साडे कोल उन्हां दे लई बहुत अच्छियां ऑप्शनस ने, उन्हां दे विच अप्लाई करके एक तां जी टी जिहड़ा ईजीली कढ़िया जा सकता है, दूसरी जे मैं गल करां तां वीज़े दे उत्ते भी असीं काफ़ी फोकस कर रहे हैं इस टाइम कि आर्ट्स वाले जिहड़े साडे बच्चे आ उन्हां दा किते ना किते जिहड़ा है कि वधिया जिहड़ा रिजल्ट कढ़ के दे सकीए, जो सक्सैस रेट आ वधिया रहे। तो आर्ट्स वाले बच्चों लई असीं काफ़ी ऑप्शनस लैके आए हैं, जिहड़ियां ऑप्शनस बच्चों नूं समझनियां चाहीदियां, खास करके 2022 आर्ट्स वाले बच्चे इस टाइम साडे कोल अप्लाई कर सकते हैं फैब इनटेक दे लई। अगली मैं गल करां हरजोत जी कि जी टी दे उत्ते बच्चे नूं फोकस रखन दी कीड़ियां कीड़ियां गल्लां दी जरूरत आ। एक तां हरजोत जी, जदों साडे कोल बच्चा अप्लाई करदा, एक फार्मर दा बच्चा अप्लाई करदा है, उन्हें जदों अपना जी टी अप्लाई करना, उहदे विच जे फार्म, जमाबंदी, जिहड़े फंड दे रहा उहदे फंड दी जस्टिफिकेशन, तहसीलदार तों सर्टिफिकेट बना के अपना डेयरी फार्मिंग दा वी दे सकदा, अपनी इनकम जिहड़ा सोर्स आ उहनूं चंगे तरीके नाल उत्थे जी टी क्राइटेरिया च सैटिस्फाई करा सकदा। अगली मैं गल करां बिजनेसमैन दी, जिहड़ा बिजनेसमैन आ उह 3 ईयर अपनियां जिहड़ियां ITR आ उह प्रोपर तरीके नाल जिहड़ियां उहदियां पे कीतियां हुंदियां उह अपनियां दिखा सकदा है, ते अपनी बैलेंस शीट भी नाल दिखानी चाहीदी आ बिजनेसमैन नूं, ते अपने बिजनेस दे की ID प्रूफ्स ने वो प्रॉपर देने चाहिए। अगे इस तो अगे बच्चा आ गया जिहड़े दे पेरेंट्स कोई जॉब दे ने, कोई जॉब कर रहे ने, जां तां अपनी जॉब ऑफर देवे कोई प्राइवेट सैक्टर च है, जे कोई गवर्नमेंट इंप्लॉई आ 116 फॉर्म आंदा है जिहड़ा कि वह जरूर देना चाहिए है, तो अपनी ITR पैन कार्ड वगैरह तां एक जॉब प्रोफाइल वाला देगा। ये जिहड़े डॉक्यूमेंट्स आ साडे जी टी क्लीयर करन दे विच बहुत वड्डी हैल्प जिहड़ी आ करदे ने, क्योंकि हमेशा जी टी का फॉर्म भर के दे दिता जाता, वो कई बार डॉक्यूमेंट्स नहीं लाए जाते, लगता है कि कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, असी इवें ही डॉक्यूमेंट्स जोड़े आ फिल कर दिता फॉर्म के, बट मेरे अकॉर्डिंगली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के नाल मैं जो सुजैसट कर रही हूँ कि बच्चे अपने डॉक्यूमेंट्स भी देने चाहिए आ बैंकिंग के नाल नाल, एक तो वो बैंकिंग क्लीयर हो जूगी, वो पैसा कितों आया, वो जस्टिफिकेशन जी टी क्राइटेरिया तो नहीं मंगी जा सकती। तो दूसरा कि तुहाडे जिहड़े इनकम सोर्स ने उहदे उत्ते सवाल पुट ऑन नहीं होणगे, जी टी जिहड़ा ईजीली तुसीं क्लीयर कर जाओगे।